नेक्स्ट हमारे पास एस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर के नाम बच्चों से नहीं लिखे जाते, फट जाती है। तो एस्टर के अंदर सीन क्या है जरा आप चेक करो, ठीक है? एस्टर में सीन क्या है जरा आप चेक करना, कैसे लिखते हैं। तो एस्टर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन आर, ये होता है एस्टर। और उस एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले आर सी ओ एंड देन आर, इसको आर डैश लिख देता हूं। तो सबसे पहले तो इसको मेंशन करना होता है, ये क्या है, दिस इज एल्काइल। उसको मेंशन करो, दिस इज एल्काइल चेन, तो दिस इज एल्काइल। उसके बाद ये पीछे वाले का नाम लिखना होता है एल्केनोएट। वो डिपेंड करता है कि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो नाम लिखा जाता है एल्काइल एल्केन ओएट, ओएट लगाया जाता है लास्ट में, एल्केन ओ एट, एल्काइल एल्केनोएट नाम होता है इसका। तो इस तरह से लिखा जाता है एल्काइल एल्केनोएट, लिखा जाता है इस तरह से एल्काइल एल्केनोएट। अब अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट कैसे लिखा जाता है, ठीक है? एल्काइल एल्केनोएट कैसे लिखा जाता है इसको अपन चेक करते हैं। कोई अनसेचुरेटेड ईथर नहीं है, गलत है जो भी लिख रहा है। इसको एस्टर बोलते हैं, एल्काइल एल्केनोएट इसका नाम होता है। कार्बन काउंट होगा तो एल्काइल एल्केनोएट लिखा जाएगा, और नहीं काउंट हुआ तो फिर आपको वो कार्बन को लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, कार्ब लगाना पड़ेगा, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, इस तरह से नाम लिखा जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ वी हैव थ्री एग्जाम्पल्स बैक टू बैक, तीन एग्जाम्पल हमारे पास बैक टू बैक। जरा इसको कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल को गौर से देखो, एस्टर सक्स, नो मैन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स रियली वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये रहा वो ऑक्सीजन, इसके यहां पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो लिखोगे मिथाइल, बहुत आसान है। और उसके बाद यहां पर कार्बन काउंट करो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक, तो फिर लगाओगे एक कार्बन के लिए मिथ, और एक ही कार्बन है एन, फिर लास्ट में क्या लगाओगे ओ एट। क्या ये हार्ड है? मिथाइल लगाया आपने, इसके लिए एक कार्बन काउंट किया तो मिथ लगाया, सारे के सारे एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियस होंगे कार्बन टू कार्बन, क्योंकि कार्बन ही एक ही है, तो एन लगाओगे और लास्ट में ओ एट लगाओगे, आंसर आ गया पहले वाले का, मिथाइल मिथनोएट। इज दिस क्लियर? मिथाइल मिथनोएट हो गया क्या पहला सवाल? मिथाइल मिथनोएट इजी है। दूसरे सवाल पर आ जाओ, ये रहा वो ऑक्सीजन, उसके इस तरफ क्या है, इथाइल, तो क्या लगाओगे, इथाइल लगा दिया। उस तरफ कितने कार्बन काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4, इथाइल ब्यूट, चार कार्बन काउंट किए हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है एन ओ एट। क्या ये हार्ड है, इथाइल ब्यूट एन ओ एट, क्या ये हार्ड है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीचे वाला, ध्यान से देखिए इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन के इस तरफ देखो, ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, ये आएगा, इसको क्या बोलते हैं जरा उसको गौर से देखना है। अब इस एल्काइल ग्रुप को लिखना है आपको, इस केस में क्या करोगे, यहां पर नंबर वन दिए, यहां पर नंबर टू, यहां पर नंबर थ्री, टू नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे पता है, इसको टू मिथाइल, फिर तीन कार्बन काउंट किए हैं प्रोपाइल, ये है टोटल एल्काइल, टू मिथाइल प्रोपाइल एल्काइल, सबको समझ में आ गया, टू मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद वहां पर कितने कार्बन है, इस ऑक्सीजन से इस तरफ आ जाओ, 1 2 3 4, फिर अब सीन क्या है, यहां पर है ना तीन नंबर पे क्लोरो लिखा हुआ है, फिर लिखोगे थ्री क्लोरो, लिखा थ्री क्लोरो, फिर 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ये नाम हो गया इसका, ब्यूट एन ओ एट, ये नाम हो गया।